अलका मित्तल को देश की दिग्गज ऊर्जा कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC का चेयरमैन व MD बनाया गया है। बता दें कि अलका मित्तल ONGC की सबसे सीनियर डायरेक्टर हैं और अब उन्हें चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बीते 31 दिसंबर को सुभाष कुमार के रिटायर हो जाने के बाद अलका मित्तल को CMD बनाया गया है। बता दें कि सुभाष कुमार पहले ONGC के डायरेक्टर फाइनेंस थे। उन्हें पिछले साल अप्रैल में ही CMD का पद दिया गया था। आपको बताते चलें कि पिछले साल फरवरी से अब तक ONGC में फुल टाइम चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है। दरअसल में ONGC भारत में कच्चे तेल और गैस के उत्पादन में 71% का योगदान करती है। ONGC की 20 देशों अजरबैजान, बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, इराक, इजराइल, ईरान, कजाकिस्तान, लीबिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नामीबिया, रूस, दक्षिणी सूडान, सीरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, वेनेजुएला, वियतनाम और न्यूजीलैंड में 41 परियोजनाओं में सहभागिता है। ONGC की स्थापना 1993 में की गई थी। बता दें कि अलका मित्तल ने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने HRM में MBA की डिग्री भी ली है। बता दें कि इन्होंने कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज में डॉक्टरेट भी किया है। अलका मित्तल ने 1985 में ONGC में एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था, जिसके बाद नवंबर 2018 से अलका मित्तल डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। यह ONGC के इतिहास में पहली बार है जब किसी महिला को फुल टाइम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। डायरेक्टर बनने से पहले मित्तल ONGC में स्किल डेवलपमेंट की चीफ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जो कहीं नहीं वो यहाँ है, जो सही है वो यहाँ है, जो देश दुनिया में है वो यहाँ है, एक स्पष्ट सोच यहाँ है, हर परिवर्तन की खबर यहाँ है, हर लोगों की बुलंद आवाज यहाँ है, राजनीति, खेल, फिल्म, उद्योग, विज्ञान की हर बात यहाँ है, हर अधिकारों की बात यहाँ है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष यहाँ है, हर कर्तव्यों की बात यहाँ है lalluram.com, सच कहेंगे लल्लूराम। खबर भी, सरोकार भी, हर कदम, हर डगर, हर मोर्चे पर तैयार भी, पक्ष हो या विपक्ष, बात वही जो है सच, सही और दमदार भी। गांव, कस्बा, शहर, नगर, रुक न पाए कोई खबर, असर भी, असरदार भी, खबर भी, सरोकार भी। lalluram.com, सच कहेंगे लल्लूराम।